हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल व्हाट अ पैथेटिक गेम दोस्तों व्हाट अ पैथेटिक गेम लिटरली एग्जॉस्टेड जिस तरीके का गेम खेला कल करेंटलीटिको मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड का गेम देखना है, एक मतलब अजियत से कम नहीं है मेरे हिसाब से और जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले इज लिटरली क्राइम बट दिस इज व्हाट वॉट लुक्स लाइक यही हमें चाहिए एक हाई इंटेंसिटी गेम एक ऐसा गेम जहाँ पे एक अलग ही एटमोसफेयर हमें देखने को मिले क्योंकि हम ये ऑल सब मोमेंट देख देख के थक गए आई रियली वॉन्ट टू सी दिस काइंड ऑफ एटमोस्फेयर इन क्योंकि वो जो पैप कॉर्डियोला और जोजे मरीरियो का जो हेरा होता था आई रियली मिस दैट एरा जिस तरीके से एक हाई इंटेंसिटी गेम होता था जिस तरीके से प्लेयर्स बैच के लिए लड़ते थे आई रियली मिस दो लेकिन अगर हम कल की गेम की बात करें तो आई थिंक कुछ ऐसी चीजें थी रियल मेड्रेड की जो कि बहुत अच्छी थी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बुरी थी वी विल डिस्कस एवरी थिंग वन बाई वन लेकिन सबसे पहले अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से फिनिशिंग हम बेहतर कर सकते थे अगर हम अगर अपने चांसेस फिनिश तो करते तो वी हैव वॉन्ट द गेम मच अन ईयर और सबसे पहले अगर हम लाइनअप की बात करें तो मेरे ख्याल से ये लाइनअप जो थी वो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि सात पिछले सात दिनों में हमने दो तीन हाई इंटेंसिटी गेम्स खेलिया उसके बाद दो ट्रेनिंग सेशन बैक ऑन जो हाई इंटेंसिटी गेम तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड था

लेकिन आप सबको पता है कि एथलेटिकों में इस तरीके की फ़ुटबॉल खेलती है और आपको पता है कि एंड में वो रिज़ल्ट निकाल जाते हैं दिस इज़ वॉट सिम्योनियज फुटबॉल इज़ और अगर मैं सबसे पहले अगर मैं कमाविंगा के परफॉर्मेंस की बात करूँ कल के गेम में तो आई थिंक कमाविंगा की परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं थी अगर आप ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस देखें तो ईवोज गुड डिफेंसिव शेप में वो अच्छा था बॉल अच्छी तरीके से कैरी कर रहा था उसकी पासिंग मैं कहूँगा कि वो इम्प्रूव हो सकती थी जिस तरीके से वो खेल रहा था की पासिंग इम्प्रूव हो सकती थी आई नो ही जस्ट केम फ्रॉम एन इंजरी और मतलब इजी नहीं होता कि का पाक के इस तरीके की बड़ी तरह परफॉर्मेंस नो कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है आई नो कि वो इम्प्रूव करेंगे अपकमिंग गेम्स बट लास्ट नाइट उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से और अब अगर मैं जो मैनी की परफॉर्मेंस की बात करूँ आई थिंक जो मैनी वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर ऑन द दी जिस तरीके का उसकी परफॉर्मेंस थी आई थिंक वो जब बेंच से आया था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी डीली थी काफ़ी स्लो था वो डिफेंसिव में भी इतना अच्छा नहीं था पासिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी एंड आई थिंक जो हमने तीसरा वो कंसीड किया था ग्रीजमैन वाला उसमें ग्रीजमैन को वो ईजीली कवर कर सकता था बट आई डोंट नो वॉट यू डेड देयर बट इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ अरोन जो मैन ये इन रेन बट रेड शर्ट बाकी अगर मैं विनीशियस की बात करूं तो आई थिंक विनीशियस को अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है बड़ा प्लेयर इन सेंस कि बड़ा प्लेयर तो हम वो है लेकिन अगर आपको बैलून डोर के लिए कम्पीट करना है तो यू नीड टू फोकस ऑन द गेम क्योंकि आपको पता हो जाए एथलेटिको मेड्रेड से आपकी रायबनवी है और जिस आपको तो पता होना चाहिए कि एथलेटिको मैड्रेड के फैंस कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे आपका ध्यान जो है वो गेम से हटे और वो आप इस तरीके की बच्चों तक हरकतें करें सो आई थिंक मनीशियस को अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना चाहिए गेम पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए और अगर कन की गेम की मैं बात करूँ तो आई थिंक वाज ऑल्सो ऑफन दो तीन जगह उसने ऐसी जगह पे वहाँ पे उसने बॉल गिवा अवे की जहाँ पे एथलेटिको को हमें पनिश कर सकती थी या एटलीस्ट स्कोर करने के चांसेस बन सकते थे आई थिंक ही नीड टू स्टेप अप और उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कल के गेम में जूट बैलेंगे मैन वॉट अ प्लेयर ही इज बीस साल की उम्र में इस तरीके का एक कैलेबर होता है और होना प्लेयर का ही कैन स्कोर बोल्स ये कैन प्रोवाइड असिस्ट उसकी आई क्यू लेवल जो है वो ट्वेंटी ईयर ओल्ड के लिए जिनसेन आई एम लॉस फोर वर्ड जिस तरीके का कल उसने गेम खेला हैिटली एवरीवेयर

वन क्लास से और मुझे लगता है कि लूलन ने इतना कुछ तो कर लिया है कि थिपो कुर्थवा के आने तक ही शुड स्टार्ट और मुझे लगता है कि उसको स्टार्ट करना चाहिए बट तो दिलोटी की ऑब्सेशन मुझे समझ नहीं आती केपा के साथ कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैपा विल स्टार्ट ऑन संडे आई डोंट नो ऑन वेट वॉट बेसिस ठीक है केपा वॉज ग्रैंड एट ऑफ द सीज़न लेकिन जब से लोलन को स्टार्ट मिला है ही वॉज इम्प्रेसिव एंड आई थिंक ही शुड स्टार्ट और आई थिंक एक जो स्टेट है वो ये कि हमने पैंतीस सालों में सिर्फ चार कॉपर टेलरे जीते हैं ये जाहिर करता है कि हम कोपर टेलरे को प्योरिटी नहीं बनाते जो कि बिल्कुल गलत है मुझे लगता है कोपर टेलरे को भी प्योरिटी बनाना चाहिए पैंतीस सालों में चार कॉपर टेलरी जितना मतलब सीरियस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्ट और अगर मैं इस्पेशली कल की गेम की बात करूँ तो आई थिंक कल का गेम वी आर बेटर दैन एथलेटिक ऑफ मेड्रियड और हमें पता है कि सात दिनों में आपने इतने तीन हाई इंटेंसिटी गेम खेले उसके बाद आपने दो ट्रेनिंग सेशन किए एंड देन आप वापस एथलेटिक ऑफ मेड्रेड से खेले ठीक है वी लॉस बट आई एम नॉट देट बैड बट स्पेशली अगर आप बात करें तो आई थिंक आई थिंक वी कोड हैूवड अवर फिनिशिंग और जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई आई थिंक उस पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफेंसिव एरर्स थे उसकी वजह से ही हमने गोल्स कंसीड किए बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू एटलेटिको मैड्रेट जिस तरीके से उन्होंने खेला सीमियो ने बोल हमें पता है कि वो इस तरीके की फुटबॉल खेलते हैं एंड दे आर थ्रू द नेक्स्ट राउंड बाकी अगर हम अपने कल की गेम की बात करें तो कल एक और गेम भी खेला गया है एफ सी बार्सोलोना ओर से स्टार्स और uh, मतलब मेरे लिए काफ़ी कर था क्योंकि बार्सोलोना ने पहला बोल उनके अगेंस्ट कंसीड किया और दो कि उनकी मतलब मेन टीम ने के लिए प्लेयर्स को रेस्ट वगैरह भी मिला बट स्टिल आई एक्सपेक्टेड टू बेटर फॉर बार्सोलोना लेकिन अगर आप बार्सलोना की टीम को देखें तो स्पेशली जो रेल बटेड से वो गेम हारे थे तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शोर मचा था कि शाबी को सेक कर देना चाहिए लेकिन मैं शावी के सेक कर दे के हक में इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि अगर आप इस वक्त प्लेयर्स देखें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में आप किसी प्लेयर के लिए नहीं जा सकते शावी और बारसोलोना के हाथ बंधे हुए अगर आप किसी और मैनेजर को भी लेके आएंगे तो वो मैनेजर बोलेगा भाई बजट मुझे बताओ कि आप मार्केट में मेरे लिए क्या कर सकते हो या आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ अगर कोई एफ सी बार का फ़ैन मुझे देख रहे हैं कि आप कोई और मैनेजर लेके आएंगे और इन्हीं प्लेयर्स के साथ इन्हीं स्कोर के साथ आपको बेटर रिजल्ट की एक, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी और मैनेजर के आने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक कि आपकी एक स्ट्रैटेजी नहीं बन जाती जब तक आपका ये जो डेप्थ है वो ख़त्म नहीं हो जाता और आप प्लेयर्स के लिए नहीं जाते किसी और मैनेजर के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और शावी को मिड सीजन सेक कर देना मुझे मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए कोई अच्छी शुभन होगी क्योंकि अगर आप भारत की इस वक्त सिचुएशन भी देखें तो चैम्पियन लीग के वो राउंड ऑफ सिक्सटीन में कोपा, कोपा uh, देन वो, में है वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं वट इज़ ड्यूनिक फ्रॉम जावी जबकि वो इतने लिमिटेड फंड्स के साथ इतने लिमिटेड प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं आई थिंक अगर इस तरीके के रिजल्ट कंटिन्यू हो तो शायद शावी भी जडान की तरह सीजन के एंड तक चला जाए